हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढुने और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लिंक्ड बार चार्ट। लिंक्ड बार चार्ट के बारे में समझने से पहले सबसे पहले ये भी बार चार्ट का मॉडिफाइड फॉर्म है। इन्होंने क्या उसके अंदर करेक्शन करे, उस करेक्शन को मैं बताने जाने वाला हूँ लिंक्ड बार चार्ट। इसके पहले हमने बार चार्ट, गैंट चार्ट देख लिया, माइलस्टोन चार्ट देख लिया, लिंक्ड बार चार्ट। माइलस्टोन चार्ट ने भी वही काम करा था कि जो भी उसकी लिमिटेशंस थे बार चार्ट के, हम उसे ही रिमूव कर रहे हैं। लिंक्ड बार चार्ट ने भी वही काम करा। अब इसने कौन सा लिमिटेशंस रिमूव करा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, उसे मैं इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो लिंक्ड बार चार्ट क्या होता है? लिंक्ड बार चार्ट मतलब आपको लॉजिकल लिंक्स का यूज करना पड़ेगा टू रिलेशन बिटवीन द एक्टिविटीज। अब इसने सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल दूर करा। इसने जो लिमिटेशंस था बार चार्ट में, एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप, उस लिमिटेशंस को इसने रिमूव करा। किस तरीके से रिमूव करा हम उस पर बात कर रहे हैं, तो उसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बार चार्ट है जो कि आपको पता है बहुत अच्छे से एक्टिविटी और टाइम के बीच में ड्रॉ होता है। अब इसने ये करा है लिंक्ड बार चार्ट में, लिंक में काम करा, लिंक में काम करा है। सपोज मुझे एक टर्बाइन कास्ट करना है, टर्बाइन लगाना है जगह पर, तो उस टर्बाइन लगाने से पहले तो मैंने क्या करा, उस काम को दो अलग अलग टीमों के थ्रू करवाया। दो अलग अलग टीमों के थ्रू, जैसे जैसे एक टीम ने क्या करा, एक्सकेवेशन करा पहले, एक्सकेवेशन के बाद वहां पर क्या बनाए, फाउंडेशन। जरूरी नहीं है टर्बाइन, कोई भी विंड मिल ले लो, एक्सकेवेशन, फिर फाउंडेशन, फिर उसके बाद स्लैब कास्टिंग, स्लैब कास्ट करा। ये एक टीम का वर्क बता रहा हूं मैं। दूसरी टीम ने इधर क्या करा, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, टेंडर भरा, क्योंकि उस टर्बाइन को पहले खरीदना है, खरीदने के लिए आपको नोटिस भरना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको टेंडर आगे बताऊंगा, बिटिंग, उसकी बोली लगाई, नीलामी में उसको खरीदा, बिटिंग करा। बिटिंग करने के बाद उसको उसका ट्रांसपोर्टेशन करा। ट्रांसपोर्टेशन सबसे डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि उसके इतने बड़े पार्ट्स होते हैं कि उसको लाने में महीनों लग जाते हैं। और इधर से टीम ने जब तक उसका क्या कर लिया, बिल्कुल बेस तैयार कर लिया, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, टर्बाइन को सीधे इरेक्ट करना है। तो आप खुद देखिए, तो इन्होंने लॉजिकल लिंक्स किस तरीके से डेवलप करी, क्योंकि हमने यही बोला ना लिंक बार चार्ट में लॉजिकल लिंक्स का यूज करा हमने। तो ये देखिए, लॉजिकल लिंक इस तरीके से यूज करी है, ये रही, ये करा, ये रही लॉजिकल लिंक्स, यहां से ये रही लॉजिकल लिंक्स, ये रही लॉजिकल लिंक्स, ये रही लॉजिकल लिंक्स, ये रही लॉजिकल लिंक्स, ये रही। मतलब एक टीम ने परचेसिंग का काम, एनआईटी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, बिटिंग का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम पूरा कंप्लीट करा, और दूसरी मतलब ये सब एक्टिविटीज है, ये टीम ना भी बोलोगे तो आप एनआईटी, ये भी एक एक्टिविटी है। बिटिंग, किसी भी चीज की बिटिंग करना, ये भी एक एक्टिविटी है। ट्रांसपोर्ट करके लाना, ये भी एक एक्टिविटी है। यहाँ पर दूसरी टीम ने एक्सकेवेशन करा, देन फिर फाउंडेशन वर्क पूरा कंप्लीट करा, देन इसके बाद स्लैब कास्टिंग करी। स्लैब कास्टिंग करने के बाद पूरा एक प्रॉपर बेस बनाया और उस पर टर्बाइन को क्या करा है, इरेक्ट करा है। तो ये भी लॉजिकल लिंक्स हमने क्या कर दिए, जनरेट कर दिए। तो इसने एक लिमिटेशंस को जो मैंने बताया था उसी को रिमूव करा है, एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप खत्म हो गई यहाँ से। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे रोड वर्क है, रोड वर्क में भी जैसे सपोज हमें आगरा से बॉम्बे का एक रोड बनाना है, तो आगरा से शुरू करके बॉम्बे में खत्म नहीं कर रहे थे। रोड्स को हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स में बनाते हुए लाते हैं। जिन जिन एरियो से रोड गुजरता है उन एरियो में कुछ पार्ट्स बनाते चलते हैं, जैसे दोनों एंड से लाते और दोनों को फिर क्या करते थे, ज्वाइन कर देते। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है लिंक बार चार्ट का, हम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें और क्या चीज है, और कौन सी चीज को इससे आप बेटर अचीव कर सकते हो? इसका यूज किया जाता है एज अ, मतलब इट इज यूज्ड कंट्रोलिंग टूल इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में इसका यूज एज अ कंट्रोलिंग टूल की तरह किया जाता है। आज भी कई जगहों पे इसका यूज होता है एज अ कंट्रोलिंग टूल। तो
यहाँ पर ये लिंक बार चार्ट कंप्लीट होता है। ओके।